चैनल आई एम एजुकेटर सपना नेगी और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन 10 डेज के अंदर अंदर आप सीयूईटी की बेस्ट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे आप बिना अभी तक पढ़े भी सीयूईटी में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे उस स्ट्रैटेजी की। अब ये स्ट्रैटेजी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है, ये स्ट्रैटेजी उनके लिए भी है जो ऑलरेडी अपना एक बार रिविजन कंप्लीट कर चुके हैं। सो बोथ ऑफ दी स्टूडेंट्स, आप लोग को आगे पढ़ाई कैसे करनी है इन 10 डेज के अंदर अंदर, उसके बारे में आपसे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जब भी हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है वो क्या आता है, हमें पढ़ना क्या है, व्हाट टू स्टडी। तो इसके अंदर सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये है कि अब आपको पूरी ही पूरी बुक से रिवाइज नहीं करना है, आपको वन शॉट लेक्चर वीडियोस देखने हैं जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कम से कम टाइम में खत्म हो जाए। सो पहली चीज क्या हो गई, वन शॉट वीडियोस आपको चैनल सर्च करने हैं जहां पर वन शॉट वीडियो का रिवीजन हो, पुरानी चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, ये आपको देखना है ताकि कम से कम टाइम आपका इसमें लगे। नेक्स्ट थिंग, PYQs आपको प्रैक्टिस करना है। PYQ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपकी इस जर्नी के अंदर, क्योंकि जब आप PYQs करते हैं तो ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है बहुत सारी चीजों में। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, डेली बेसिस पे PYQs आपको प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको पता चल सके कि NTA किस लेवल के क्वेश्चंस बनाता है। दूसरी चीज, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट। फिर आपको क्या करना है, आपके हर एक डोमेन लैंग्वेज और GT उसके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर करूंगी। इसके बाद लास्ट जो है वो क्या है, हमारा MCQs, ये है हमारे चैप्टर वाइज MCQs। ठीक है, चैप्टर वाइज MCQ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके हर चैप्टर की प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है, मैम पढ़े कहाँ से। तो आपके पास इस टाइम पे दो ऑप्शन अवेलेबल है, पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन, यानी कि खुद से बैठकर। तो जो बच्चे आपको लगता है कि मैम हमसे खुद से पढ़ाई नहीं होती, आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ऑनलाइन कैसे पढ़ना है, वही रिकॉर्डेड सेशन है या लाइव सेशन है जो वन शॉट वीडियो करा रहा है उसका पढ़ो। इसके अलावा क्या करना है आपको, ऑनलाइन CBT मोड में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, करना ऑनलाइन है। दूसरे वो बच्चे जो खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो खुद से पढ़ने वाले बच्चों में यहाँ पे ये ऑनलाइन का यूज नहीं करेंगे, ये क्या कर रहे हैं, ये सेल्फ नोट्स से जो इन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए, एक चैप्टर सिर्फ एक पेज में है, अगर इस टाइप के नोट्स आपके बने हुए हैं तो बेस्ट रहेगा आप वहां से रिवाइज करें। एंड इसके साथ साथ आप लोग जो ऑफलाइन आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो आपने ले रखी है उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो, जिसमें आपको OMR शीट फिल करनी। ठीक है, सो दोनों ही तरीके हैं जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑनलाइन वाले CBT मोड के पेपर देंगे, ये कैसे देंगे, CBT मोड में प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर, CBT मोड में प्रैक्टिस करेंगे और वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टडी, आपको अब पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको स्टॉप वॉच के साथ पढ़ना है, मतलब कि जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो आपको ये पता है कि आपका एग्जाम कितने टाइम में खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टडीज का एग्जाम 45 मिनट्स के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, तो आपको आदत बनानी है कि विद इन 45 मिनट्स आपका बिजनेस का जो मॉक है वो कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए आपको स्टॉप वॉच लेकर चलना पड़ेगा, मोबाइल फोन में टाइमर सेट करो 45 मिनट्स का, जितने भी मिनट्स के आपके एग्जाम होंगे, 45 का है तो 45, 60 का है तो 60, इतने मिनट का क्या करोगे आप, अलार्म सेट करोगे स्टॉप वॉच में एंड देन पेपर दोगे। मैं ज्यादा किस चीज के लिए बोल रही हूँ, ऑफलाइन स्टूडेंट जिनका पेपर कौन सा है ऑफलाइन है उनके लिए, क्योंकि जो ऑनलाइन में देंगे उनका तो टाइमर चलता है। राइट, जो ऑफलाइन OMR शीट की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो स्टॉप वॉच लेकर जाए अपना पेपर, जिस टाइम पे वो पेपर दे रहा है ना
अपने मॉक की प्रैक्टिस कर रही है कर रहे हैं तो टाइम फिक्स करके बैठे। दूसरी चीज, इससे आपको होगा क्या, टाइम मैनेज करना सीख जाओगे और पेपर को टाइमली कंप्लीट करना सीख जाओगे। टेंशन नहीं होगी एग्जैक्टली जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम पे आप नर्वस फील नहीं करोगे, ठीक है। दूसरी चीज, फिक्स टाइम। फिक्स टाइम का मतलब क्या है, आपको आपके पास ऑलरेडी डेट शीट आई हुई है ना, आप लोगों के पास आपकी डेट शीट आ चुकी है जिसके अंदर मेंशन है कि किस टाइम पे आप लोगों का एग्जाम होने वाला है और उसका टाइम पीरियड क्या है, कितने कितने मिनट्स आपका एग्जाम चलेगा, तो दोनों ही चीज उसमें है। तो अगर आपका एग्जाम बिजनेस स्टडीज का सुबह 8 बजे हो रहा है तो डेली प्रैक्टिस लगाओ कि आप 8 बजे डेली बिजनेस स्टडीज का मॉक टेस्ट दो। जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है ना इन फ्यूचर, उसी टाइम पे आप क्या करो, अब आज से रोज प्रैक्टिस करो कि सेम टाइम पर मैं अपना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम दू, प्लस विद इन लिमिटेड टाइम दू, जो टाइम लिमिट है उसी के अंदर अंदर दू, ठीक। दोनों चीजें आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तीसरी चीज, डेली रिविजन करना है। यस, डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने की टेक्निक है, क्या टेक्निक है, बुक्स पूरी पूरी नहीं पढ़नी है, पूरे पूरे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने, रिवीजन आपका मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज के थ्रू होगा। अब ये होगा कैसे, देखो जब आप पीवाईक्यू, एमसीक्यू या फिर मॉक टेस्ट देते हो तो इसमें से जो क्वेश्चन आप सही करते हो उन्हें छोड़कर जो क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए हैं या फिर अनअटेम्प्टेड है, इनके साथ आप क्या करते हो, क्या करते हो इन क्वेश्चन के साथ, आप छोड़ देते हैं, ये नहीं करना है। चाहे आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है चाहे वो अनअटेम्प्टेड है, उन क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन के जितने पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट करना है और इनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बाकी जो आपने सही कर दिया है वो तो आपको इट मींस आता है, बट जो गलत कर रहे हो वो गलत क्यों कर रहे हो इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू, मॉक, एमसीक्यू कुछ भी लगा रहे हो, जो क्वेश्चन गलत किया है या अटेम्प्ट नहीं किया, आता नहीं है, उस क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस थे ए बी सी एंड डी, इन सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इन चारों के टॉपिक्स की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर ये मेथड फॉलो करोगे तो, ठीक। ये हो गया। दूसरा, जब आप पीवाईक्यू करते हैं ना तो आपको एनटीए के लेवल का पता चलता है कि वो किस लेवल के क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम करने वाले हैं और कैसे आप उन क्वेश्चन को हैंडल करोगे। यहां से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चलता है कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, टॉपिक रिपीट होता है क्योंकि इस बार एनटीए हर एग्जाम को एक ही शिफ्ट में कराने वाला है, तो उनको मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पेपर नहीं बनाने। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस का पेपर है तो उनको एक ही पेपर बनाना है बिजनेस का एंड उसी शिफ्ट में वो पेपर कंप्लीट होगा, तो उनके पास अब वैरायटी बहुत है, मतलब सिलेबस बहुत है उनके पास एंड उसमें से वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको देंगे आपके एग्जाम के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जब मल्टीपल शिफ्ट होती है ना तो एनटीए को क्वेश्चन सोचने में टाइम लगता है, भाई कितने ही क्वेश्चन पेपर बनाएंगे वो, राइट, फिर वहां दिक्कत आती है। बट जब आपके पास लिमिटेड एक ही पेपर होना है तो उनके पास है मौका, वो अच्छे से पेपर बनाएंगे एंड विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बनाएंगे, बेकार टॉपिक्स नहीं देंगे। दूसरा, आपका जो पेपर है उसका लेवल मॉडरेट रहने वाला है तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर सही आएगा, जिसने पढ़ाई की होगी वो बहुत अच्छे से उस एग्जाम को करके आएगा, राइट। तो आई बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन 10 डेज आपको अब क्या क्या चीजें करनी है। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है, आपको अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करना है, जितना हो सके मॉक, एमसीक्यू, पीवाईक्यू डेली बेसिस पे लगाओ, कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मॉक टेस्ट में से ही उनको नोट डाउन करो, ऑनलाइन लाइव क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है डेली बेसिस पे, वहां आके प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट की, एमसीक्यूज की, जिससे आपकी प्रिपरेशन सच में बहुत अच्छी हो जाएगी, ओके।
सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जो कि आपके CUET एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं.